अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। इट्स मी रुखमा नईम एंड आज मैं बिल्कुल डाउन हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, मैं जस्ट आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इस टाइम इतनी ज़्यादा लजीनेस हुई हुई है ना कि मेरा दिल कर रहा है जस्ट मैं सो जाऊँ। अभी भी मैं जस्ट अपने बेड पर लेटी हुई हूँ और नहीं, अजीब सा भी कंडीशन है। और एनीवेज, हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। रात को हम लोग डिनर कर रहे थे तो भाई वगैरह, भाई रमीज़ और अब्दुलरहमान खब कह रहे थे कि हम लोगों ने शेक पीने जाना है, तो जाना है तुम लोगों ने, अभी तो रेडी हो जाओ। तो मोहम्मद भाई आगे भी थे ऑफिस, तो फिर मोहम्मद भाई कहते हैं कि हम लोगों ने क्या जाना है अपने, तो ही वॉज़ लाइक नहीं मैं तो रेडी होते, मुझे टाइम लग जाना है, तो मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाना तो आपकी मर्ज़ी है। फिर जब हम रेडी हो गए, भाई आ गए गाड़ी लेके, तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं एंड भाई वाज लाइक के उसे एक दफ़ा अगेन कॉल करो और पूछ लो कि जाना है तो आ जाओ। हम लोगों ने भी लाइक नाइट सूट पहने हुए हैं, पजामा शर्ट पहने हुए हैं, तो आ जाओ। हम लोगों ने कोई गाड़ी से बैठ जाना नहीं है, तो गाड़ी में बैठ के पी के वापस आ जाना, जस्ट हमने शेक ही पीना है। तो फिर दोबारा से कॉल की तो फिर कहते चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर आगे मोहम्मद भाई, फिर हम लोग चारों बहन भाई जो है ना गए शेक पीने के लिए। और शेक पी के ना सुकून हो गया, इतना ठंडा ठंडा शेक था। वैसे तो अभी पाकिस्तान में गर्मी नहीं आई, लाइक गर्मी आ गई है लेकिन ये क्या गर्मी फील नहीं हो रही, क्योंकि वेदर जो है ना वो बहुत चेंज हो गया हुआ है। हवा वगैरह चल रही होती है, बारिश वगैरह हो रही है ना, इसलिए। तो फिर हमने शेक पिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। हम चारों ने किटकैट शेक ऑर्डर किया था। और आप बताएं मुझे, आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, आपकी रूटीन क्या है? मुझे तो पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा सुस्ती छाई हुई है ना। अभी मुझे इतने काम है मेरे करने वाले, लाइक अभी मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है, गेट टुगेदर हम सब फ्रेंड्स का, वहाँ का व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है इंशाल्लाह, और वो व्लॉग कल आ जाएगा, आई थिंक कल ही आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पहनना है। नहीं बल्कि वो तो आपने आपने ऑलरेडी देखा हुआ है मेरा आउटफिट ना, तो वो तो मैं फिर नहीं दिखाऊंगी आपको। एनीवेज कोई बात नहीं। अच्छा वैसे मुझे ये होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, मैं अपने ड्रेसेस रिपीट ना करूँ। मुझे बस दिल करता है कि मैं जस्ट मेरे पास न्यू कपड़े हो। और मेरी मम्मा मेरी ये विश पूरी भी करती हैं, मैं जहाँ जाना होता है ना, जहाँ जाना होता है मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा प्लीज़ मुझे न्यू बना दें। मुझे नहीं पता, फिर मुझे मम्मा बना देती हैं, चाहे वो मुझे जैसे भी बना के दें, डांट के बना के दें या कैसे भी। तो लेकिन ये कि मैं मम्मा को कहती हूँ मुझे प्लीज़ न्यू बना के दें, मैंने पहन के जाना। अभी भी मेरे 2-3 ड्रेसेस न्यू हैं, तो मैं मामा को कह रही थी मम्मा मैं वो पहन जाती हूँ, तो मामा कहती नहीं तुमने हर जगह नहीं नहीं पहन के जाने, अभी हमने तो स्टेज में अगर कहीं जाना हुआ तो फिर यूज़ मतलब काम आएंगे, तो तुम रख दो उनको, अभी जो तुम्हारे हैं अभी तुमने वो एक एक दफ़ा ही पहने हैं, वो पहन के जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है आपकी मान लेते हैं, वही पहन के चल जाती हूँ। तो अभी मैंने अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, मेकअप करना है और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन ये कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा उठने का बेड से, इतनी लेजीनेस हुई हुई है। और मामा भी बाहर गई हुई हैं, फोर्थ की होगी भी हमारे रिलेटिव्स में ही हैं वो लोग, तो उधर फोर्थ की होगी, मामा वहाँ पे गई हुई हैं, मैं घर पे हूँ, अब्दुलरहमान भी घर पे है, और अभी उसको लंच भी देना है, वो बेचारा आके सो गया हुआ है स्कूल से, उसने कहा भी नहीं मुझे लंच दो। और मैंने भी वो मैं भी जो है ना बैठ गई हूँ कि वो जब बोलेगा तो तब दूंगी, अदरवाइज़ नहीं बोलेगा तो मामा ही दे देंगी। इतनी इस हद तक सुस्ती छा गई हुई है मुझे। अच्छा आप बताएं आप लोगों का कैसा, आप लोगों की रूटीन क्या है आजकल, क्या करते हैं आप लोग सब? और मुझे आप लोग टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिए, रुखमा नईम 2 के नाम से मेरी आईडी है। और जो जो लोग टिकटॉक से देख के मेरी यूट्यूब पे आई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा 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 प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत थैंक यू उन सब का। आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस, आप लोग ही, आप लोग की वजह से ही आज जो है ना, आज जो हमारा मुकाम है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग ना हो तो हम लोग भी कुछ नहीं है, राइट? ओनली मैंने हर एक जो जो यूट्यूबर है ना वो अपने जो है ना व्यूअर्स की वजह से ही है, उनके अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।